हेलो गाइज, जैसा कि देख सकते हैं एक नोटिस आया हुआ है कि आपके जो गुड्स गार्ड की ट्रेनिंग है वो फिर से स्टार्ट होने वाली है। कब? सितंबर में। 1 सितंबर से फिर से स्टार्ट होने वाली है और बहुत ज़्यादा इन्फ्लक्स है। मतलब जितने भी ट्रेनिंग वहाँ पे कंप्लीट होगा उसके बाद उनके जगह पे बहुत सारे और भी ट्रेनिंग वहाँ पे आने वाले हैं। तो देखो, JRTI मौलाली की यही बहुत ही खूबसूरती है ना कि वो बच्चे बहुत जल्दी जल्दी निकाल रहे हैं वहाँ पर। उनको ऊपर से ऑर्डर ही है कि जल्दी जल्दी कम्प्लीट करो। और बेस्ट पार्ट ये है ना कि वहाँ का प्रिंसिपल जो है ना, बहुत ही अच्छे प्रिंसिपल सर जो हैं, बहुत ही यादगिरी सर, बहुत ही अच्छे हैं यादगिरी सर। तो यादगिरी सर बहुत ही अच्छे हैं और वो चाहते हैं कि जितने जल्दी ट्रेनिंग लेके लोग निकले यहाँ से। और इसी के साथ वो चाहते हैं। और हम लोग का भी देखो, फर्स्ट AM PM बैच स्टार्ट करके उन्होंने स्टार्ट किया। मिस फर्स्ट सेशन सेकंड से आज तक कभी नहीं हुआ था। 2 सेशन में ट्रेनिंग स्टार्ट हुआ और चीज़ें कितने बच्चों को लेना है क्या था, वहाँ जगह बहुत है। मेन जो चीज़ें हैं ना, वहाँ पे जगह बहुत है तो वहाँ ट्रेनिंग ईजिली स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे आप जिसका इनका भी सेप्टेम्बर में स्टार्ट होने वाला है वो अपने से प्रिपेयर कर ले। और देखिए, अगर जो उनका इंटेंशन, से बोलते हैं कि इंटेंशन नहीं उनका, लेकिन मैं बोलूँगा JRTI मौलाली का इंटेंशन बहुत ही अच्छा है। क्योंकि अब देखो, उन्होंने हमारा सीनियर CCTC का ट्रेनिंग, या CCTC का ट्रेनिंग 60 डेज का होता था, उसको उन्होंने कम किया, 45 डेज में कंप्लीट किया। कोर्स तो कंप्लीट करेंगे उतना ही, और उसके जब क्या किया, 12 दिन का लाइन ट्रेनिंग डाल दिया। तो कितना अच्छा उन लोगों ने तैयारी किया, कितने अच्छे तरीके से सब चीज़ कर रहे हैं वो लोग। तो वो लोग सोच रहे हैं, हमारे बारे में भी सोच रहे हैं, और वो लोग यही चाह रहे हैं कि जितना जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाए ट्रेनिंग सभी का। तो देखोगे गुड्स गार्ड का तो ऑलमोस्ट अब जैसे ही सितंबर में स्टार्ट होगा तो उसमें जितने भी बच्चे रिमेनिंग होंगे उनका सारे का ऑलमोस्ट कंप्लीशन हो जाएगा। क्योंकि फर्स्ट बैच में ही कंप्लीशन के कगार था, 150 से 200 ही बच्चे बचे हुए थे जो बाहर थे अभी भी। तो उनका सितंबर में स्टार्ट हो जाएगा। और साथ में बहुत सारे और भी जो बाहर के बच्चे थे, जैसे बहुत सारे बाहर के कहने का मतलब कि दूसरे जोन के भी बच्चे को वहाँ पे बुलाया गया। जैसे मैं बात करूँ लास्ट टाइम भी, तो इलाहाबाद से बच्चे को बुलाया गया था। तो इलाहाबाद के बच्चे का ट्रेनिंग कहाँ पर हो रहा है, तो JRTI मौलाली मिस है जहाँ इलाहा, उनका शायद इसी साइड कहीं पर ट्रेनिंग का सेंटर है। और उनका ट्रेनिंग कहाँ हो रहा है, JRTI मौलाली में ट्रेनिंग हो रहा है, मिस हैदराबाद में ट्रेनिंग हो रहा है। तो और जैसे फिर ईस्ट कोस्ट का भी ट्रेनिंग वहाँ पर हो रहा था। तो बहुत सारे ऐसे ऐसे चीज़ें हो रही थी वहाँ पर जो अनएक्सपेक्टेड थी, कि और लेकिन करवा रहे थे, इसलिए करवा रहे थे कि उनको बस करवाना है। और बहुत बड़ा है JRTI मौलाली का भी, आओगे ना बहुत बड़ा है। तो हो सके बहुत सारे और भी देखोगे, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट डिविजन्स के बच्चे या जोन के बच्चे, जब 1 सितंबर को स्टार्ट होगा नया बैच तो उनको उनमें इन्फ्लक्स किया जाएगा और उनका ट्रेनिंग स्टार्ट होगा। और एक बार जो मेन इशू है कि जैसे बोल रहे थे कि इनका क्यों नहीं स्टार्ट हो रहा स्टेशन मास्टर का, तो स्टेशन मास्टर का जो मेन जो आ रहा है ना इशू, इंटरनल इशू आ रहा है, वो बोल रहे रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो रिक्वायरमेंट नहीं है तो उसी कारण शायद नहीं अभी ले रहे ट्रेनिंग। लेकिन जैसे आप ये मानो कि अभी फर्स्ट जो AM सेशन में मेनली जो चल रहा है, किसका चल रहा है, ऑपरेटिंग का चल रहा है। मिस ऑपरेटिंग जैसे स्टेशन मास्टर, या फिर आपका किसका चलेगा, तो आपका गुड्स गार्ड का चलेगा। और इवनिंग सेशन में किसका चलता है, तो इवनिंग सेशन में आपका मेनली जो चलता है किसका, सीनियर CCTC का एंड सीनियर CCTC एंड CCTC का। तो देखोगे तो इनका भी कंप्लीट होने के बाद ना आपका भी वो कंप्लीट कर ही देंगे। लेकिन ये है कि थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन जैसे इनके पास थोड़ा सा रिक्वायरमेंट बन जाएगा और सीधे जब इनके पास जगह हो जाएगी ना, तो ये लोग भी फिर से आपको मैनेज करके, और ये मानो कि आपका भी सितंबर लास्ट तक स्टार्ट कर ही देंगे। क्योंकि ये भले ही अभी बोल रहे हैं ऐसा, लेकिन ये कंप्लीट करके रखेंगे। क्योंकि कंप्लीशन में 3 महीने टाइम लगता है, और कंप्लीशन होने के बाद भी उतना रिक्वायरमेंट आ ही जाएगा। तो मोस्ट प्रॉब्ली मुझे लग रहा है कि सितंबर मिड तक या सितंबर लास्ट तक स्टेशन मास्टर का भी स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन मेन जो हम किसी से पूछते सीनियर से, तो वो यही बोलते कि अभी रिक्वायरमेंट की कमी है थोड़ा सा, इसीलिए वो नहीं करते। अब देखो क्या स्टार्ट होता है। लेकिन जिनका भी स्टार्ट होने वाला है, आओ यहाँ पर ट्रेनिंग एंजॉय करो। और ट्रेनिंग यार मज़ेदार होता है, JRTI की लाइफ बहुत ही अच्छी होती है। JRTI से बाहर निकलोगे तो आपको मेन इशू LR और डिफरेंट चीज़ें बहुत ज़्यादा इशू, पब्लिक रीडिंग, अगर जो कुछ भी करोगे तो उसमें चीज़ें आपसे, मतलब फिर आपके एक डिसीजन से कुछ ना कुछ इफेक्टिव होता है, तो चीज़ें वहाँ पर प्रॉब्लमेटिक होती है। तो वो चीज़ अलग चीज़ होता है। तो आओ यहाँ पर आप ट्रेनिंग कम्प्लीट करें। ओके, और नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को। ओके, थैंक यू गाइज।